गुड मॉर्निंग स्टूडेंट योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी इन दिस क्वेश्चन दट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अख्रिंग इज जीरो पॉइंट फाइव एंड बजो पॉइंट थ्री इफ एन एंड बी म्यूजिक एक्सक्लूसिव इवेंट दें यू हैव टू फाइंड अ प्रोबिलिटी नाइदर इन और बी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एंड नाइदर इन और बी का मतलब होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मॉर्गन स्लो आपने किया हुआ है सेट थ्योरी के अंदर क्या करेंगे आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो आप इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश अगर किसी भी चीज़ का डैश निकालना है ना होने की निकालने तो हम उसके होने की वन में से आउट कर देते हैं अब ए यूनियन बी कैसे निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है अब ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा आ जाएगा जीरो पॉइंट एट के इक्वल यहाँ अभी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट टू गॉटेट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन जीरो पॉइंट फाइव फोर प्रोबेटी ऑफ बीज गो पॉइंट सिक्स नाइन प्रोबेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो पॉइंट थ्री फाइव यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी माइनस इंटरसेक्शन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए इन दोनों को प्लस करके ही आएगा हमारे पास तो टोटल माइनस करके वैल्यू आ जाएगी ए यूनियन बी की जीरो पॉइंट एट एट फिर आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए माइनस बी तो सेट में आपने फॉर्मला किया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है इसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव फोर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास जीरो पॉइंट थ्री फाइव जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट वन नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है इन क्लास ऑफ सिक्सटी स्टूडेंट्स थर्टी ऑप्टेड फॉर एन एस एस एंड सॉरी एन सी सी एंड थर्टी टू ऑप्टेड फॉर एन एस एस एंड ट्वेंटी फोर ऑप्टेड फॉर एन सी सी एंड एन एस एस ठीक है इफ़ वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड अपल्टी डेट स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एन सी सी और एन एस 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 ठीक है आपने क्या फाइंड करना है आपके पास क्लास uh, में सिक्सटी स्टूडेंट्स हैं एन का अगर हम स्टूडेंट चूज़ करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स कितने चूज किएंगे थर्टी थर्टी टू हमारे एन एस एस के एस एन एस एस के लिए हैं थर्टी फोर दो ट्वेंटी फोर दोनों के लिए है तो पहले हमें यूनियन फाइंड करनी है चाहे आप ए और बी मेंशन कर दीजिए ए और बी लिख दीजिए नहीं तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ़ एन सी सी यूनियन एन एस 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 को क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी माइनस इंटरसेक्शन हमारे पास ऑप्टेड स्टूडेंट्स की वन थी प्रोबैलिटी फाइंड करने के लिए हम उसको सिक्सटी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे फिर नेक्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स ऑप्टेड नीदर एन सी सी नोर एस एस नोर एन एस 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 एन एस एस ठीक है तो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया है ए यूनियन बी का होल एश वन में से अपना यूनियन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन माइनस थर्टी एट बाई सिक्सटी डैट इज ट्वेंटी टू बाई सिक्सटी और इसको सॉल्व करेंगे एलेवन बाई थर्टी आ जाएगा अब उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मेन स्टूडेंट्स के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है वो यहाँ तक ही सम करेंगे आपके कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाले अपलाइड मैथमेटिक्स में है कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक थिंग के होने के बाद सेकंड थिंग का होना आ, होने की फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लाइक like, जैसे ए बाई बी है तो बी ऑलरेडी अक्कर हो चुका है बी के होने के बाद ए के होने की फाइंड ए के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी वेर पी ऑफ बी इज़ नॉन इक्वल टू जीरो वेर प्रोबलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉन जीरो जो नीचे वो सेम रहेगा ऊपर इंटरसेक्शन आती रहेगी अब इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी गिवन है सेवन अपॉन इलेवन है यहाँ पे ठीक है आपने ए बाई बी फाइंड करना है ए बाई बी के लिए हम इंटरसेक्शन चाहिए तो पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मला लगा दीजिए दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा फोर बाई इलेवन ठीक है अब आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ए बाई बी का फॉर्मला मैंने आपको बताया ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा फोर बाई फाइव अब उसके बाद एक कॉइन एय स्टोर्स थ्री टाइम फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई बाई एफ इफ़ ई क्या है हेड्स ऑन द थर्ड टॉस एफ क्या है हेड्स ऑन द फर्स्ट टॉस थ्री टाइम्स टॉस क्या है तो आपके पास सैंपल स्पेस ये बनेगा मैं जो आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ ई का मतलब है हेड्स ऑन द थर्ड टॉस थर्ड टॉस का मतलब तीन थर्ड टॉस पे आपको एच मिले तो एक ही आएगा एक ही आएगा एक ही आएगा आपके पास और एक ही आएगा और एफ में क्या हेड्स ऑन द फर्स्ट टॉस फर्स्ट टॉस वाले आपके पास आएंगे ये भी ये भी और ये भी आ जाएगा ठीक है और आपके पास क्या है हेड्स ऑन द फर्स्ट ओस एक सेकेंड हूँ फर्स्ट ओस में ये भी है आपके पास ये भी है और ये भी है और ये भी है ठीक है।, है ये चार आएंगे यहाँ पे मैंने पूरे लिखे नहीं हुए आपके पास आएगा ह, एच 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 टी और एच टी एच और एच टी टी ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में क्या हैड जोन है थर्ड टोस थर्ड टोस में एच यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है ठीक है और फर्स्ट होस में एच 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 भी आएगा एच एच टी भी आएगा एच टी एच भी आएगा और एच टी टी भी आएगा अब देखिए क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ई बाय एफ ई बाय एफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा ठीक है ई इंटरसेक्शन एफ में आपके पास दोनों में कॉमन देखिए कौन बनता है hmm. क्या है अकॉर्ज थ्री टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है ई e क्या है हेड्स ऑन द थर्ड टोस हेफ़ क्या है हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टोसेज है यहाँ पे ठीक है पहले सैम्पल स्पेस बना लेंगे आप ई हेड्स ऑन द फर्स्ट टोस हेड्स ऑन द फर्स्ट टोस में आपके पास कौन कौन आएगा एच 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 टी एच टी एच एच और एच टी टी एच देखो हेड्स ऑन द थर्ड टोस सॉरी एक दो तीन चार फिर हेड ऑन द फर्स्ट टू टोसेज़ है यहाँ पे एक फर्स्ट टू टोसेज़ का तो एक तो ये आएगा और आपके पास एक आएगा एच आ, एच एच ये आपके लास्ट वाले स्टेटमेंट गलत पढ़ ली थी मैंने एच, एच 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 और एच एच टी दोनों में कॉमन कौन है आपके पास एच 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 तो इंटरसेक्शन एफ में क्या हो गया वन बाई एट प्रोबेलिटी एफ़ की आपके पास टू बाई एट तो आंसर आ गया वन बाई टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट टू हेड्स लीस्ट टू हेड मतलब कम से कम टू हेड जो ज़्यादा भी हो सकते हैं तो वही एच एच एच, एच एच टी एच 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 टी और टी एच एच एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब दो हेड्स वाले भी एक दो तीन आपके पास आएंगे चार उसके बाद सेकेंड था एफ एट मोस्ट टू हेड्स का मतलब हद से हद टू हेड्स हों हमारे पास तो एक ये हो गया आपके पास ठीक है एक ये हो गया और एक ये हो गया एक वन वाला भी आ जाएगा आपके पास मतलब जिसमें तीन एच होंगे वो नहीं आएंगे बाकी सारे आएंगे मतलब सात पर्सन आएंगे आपके पास तो प्रोबैलिटी ऑफ ई बाई एफ़ निकालनी है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ़ निकाल लेंगे पहले आप फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ़ एफ़ निकाल लेंगे जब दोनों को सॉल्व करेंगे ई बाई एफ क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी थ्री बाई सेवन सो इस तरह से मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, अगर आप कोई डाउट हो तो आप यहाँ तक के टॉपिक से पूछ सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर सकते हैं थैंक यू ऑल